أكبر الله أكبر हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। सो आज है ईद, सो आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा मुबारक टू एंड योर टू योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। सो ईद अपने फैमिली के साथ बनाए गाइस और अपने दोस्तों के साथ बनाए। सो अभी फ़िलहाल हम लोग की नमाज़ वगैरह हो चुकी है और अभी कुछ BTS वगैरह मैं पोस्ट करूँगा और कुछ रील्स वगैरह हमने शूट की है, सो वो भी हमने बनाया और वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पोस्ट करूँगा एडिट करके जितना जल्दी हो सके। तो ये वीडियो गाइस ईद की नमाज़ के बाद का है। हम लोग आ गए थे घर और हम लोग ने किया नाश्ता। हम लोग जब पराठा, चाय, आमलेट और ये कलेजी थी, हम लोग ने लेजी बनाया था और इसके साथ योगर्ट, ये सब तो बन चुका था गाइस। इसके बाद हमें बिरयानी प्रिपरेशन करनी थी, बिकॉज ईद थी तो हमने सोचा बिरयानी बनाते हैं। तो ऑयल गर्म करने रख दिया, ऑनियन हमारी कट थी, अभी एक बार ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसके अंदर प्याज फ्राई कर लेंगे। ये हमने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था, सारे जो मसाले लगते हैं बिरयानी के लिए वो, ये नट्स। और गाइस ईद है तो शिरकुमा तो बनता है, बिकॉज बॉम्बे में हम शिरकुमे के बिना ईद नहीं होती, मतलब हमारे घर में नहीं होती, बाकी और जगह पर जैसे चाहिए होता है वो लोग बनाते हैं, वो लोग नहीं बनाते। यहाँ हमने राइस गर्म करने रख दिया और चिकन को स्मोक दे दिया, रायता रेडी है और हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है। सो ये रही हमारी बिरयानी और रायता। सॉरी गाइस, मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काम करने के टाइम में मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो मैं काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं था और आपको व्लॉग भी पोस्ट नहीं कर पाया, बिकॉज इसकी रीज़न यही था गाइस, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और स्पेशली ईद पे जब हमने 3-4 दिन छुट्टियाँ थी तो घर पे ही स्पेंड की, बिकॉज हम लोग कहीं नहीं गए, बिकॉज काफ़ी गर्मी थी और गर्मी में कहीं जाने का मूड नहीं था। दिन तो जैसे तैसे करके गाइस निकल जाता था, जब हम लोग प्लान करते थे कि हम लोग रात में कहीं जाएंगे तो रात में भी ये ऐसी ही स्वेडिंग सेम चलते रहती थी, जिसकी वजह से उबैद भाई की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, फिर उससे पहले मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और स्पेशली ईद के दिन भी उबैद भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। फिर उसके बाद हम लोग ने काफ़ी कोशिश की उसके बाद भी जाने के लिए, गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है लिटरली, लाइक इट्स लाइक वेदर बता रहा है 49-50 अप्रॉक्सीमेटली, बट फील ऐसा हो रहा है कि 53-54 डिग्री टेम्परेचर, 50 तो क्रॉस हो ही है गाइस ऐसा लग रहा है। और अभी बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली दोपहर के 4 और स्टिल अभी भी इतनी गर्मी है गाइस, और धूप तो पूछो ही मत, और गर्मी देख रहे हो गाइस आप, उससे स्किन इतना टैन हो रहा है ना, लेकिन खैर क्या करें। आई थिंक ये इस टाइम रहेगी अक्टूबर एंड तक शायद गर्मी, बिकॉज विंटर बहुत लेट ख़त्म होनी है। पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छे से निकाला। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक फॉर अनदर व्लॉग। सो वो जो व्लॉग था गाइस वो मैं एंड कर ही नहीं पाया और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, गर्मी आपको पता है, और आज हम लेट नाइट आए हैं लामियर बीच। इस टाइम तो सब कुछ क्लोज हो चुका है तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता, बट फिर भी मैं थोड़ी सी, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है ये सब आई थिंक 10, 10:30, 11 बजे तक बंद हो जाते हैं और अभी तकरीबन बज रहे हैं 11:45 और हम यहाँ पर है। और आज मेरे साथ दो जन और है, मैं उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवा। सो मेरे साथ है रहीम, लाइट एक मिनट, लाइट 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 गाइस, हाँ ये साइड लाइट आ रही है। सो आपने मेरी स्टोरी पे इनको देखा होगा, मेरी स्टोरी पे इनको देखा होगा, इन्होंने जस्ट न्यू स्टार्ट किया है फॉर दुबई गाइड। सो प्लीज़ गाइस मैं नीचे इनका इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा, सो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। आप कुछ बोलना चाहोगे? आई एम न्यू इन दुबई। सो ये गाइस ये थोड़ा सा शाय है तो इसके लिए कुछ बोलना नहीं चाहता। दूसरा मेरे साथ ये है अरमान। सो अरमान भाई क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ नहीं बोलना। सो ये बहुत कुछ थक चुके हैं और दी बूथ आर फ्रॉम पाकिस्तान। सो गाइज आज तो फिलहाल हम नहीं चिल्ड आउट, मतलब इन सेंस हम लोग पीसफुल सुकून के लिए आए हैं,
तो चलते हैं बीच की तरफ और फिर अब रेन हो रहा है और यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। सो अगर आप लामेर बीच आ रहे हो 12 से पहले तो पहले आओ, और 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि ये सारी लाइट्स देख सकते हो आप, ये पूरा बंद हो चुका है गाइस। तो अभी मैं यहाँ का कुछ भी शूट नहीं कर सकता, अभी हम लोग आउटसाइड बीच जा रहे हैं और वहीं मैं आपको बताता हूँ कि शायद वहाँ हम लोग बैठ के कुछ पीसफुल कर सके, क्योंकि यहाँ पे तो गाइस पूरा आपको अंधेरा दिख रहा है। सो ये पूरा ऑलमोस्ट देखिए गाइस पूरा बंद हो गया है। तो आप लोग इफ़ यू आर न्यू इन दुबई, आप आपके सेल में कुछ बोलना चाहोगे रहीम? So if you are new in Dubai guys, so please come before Jewel in Lamer. Guys, उसके बाद गए हम JBR और वहाँ पे भी कुछ नहीं था, मतलब आई मीन जुमेरा वन का जो बीच था। उसके बाद ये है ज़ेब्रा क्रॉस, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे इसी में क्रॉस करना पड़ता है जब ग्रीन सिग्नल होता है, और ये सारे लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। बट अगर हमारा इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, वहाँ ऐसा नहीं होता। सो इसीलिए ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो हम स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं, और ये सामने दिख रहा है बुर्ज खलीफा। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल पता नहीं वॉकिंग कर रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। दुबई की सड़कों पर रात में घूमना गाइस एक अलग ही फीलिंग है। इट्स बीन लाइक गर्मी के अंदर भी राहत है, और अभी तो फिलहाल हवा चल रही है और रात की अप्रोक्सीमेटली फिलहाल 130-120 समथिंग कुछ हो रहा है, और अभी हम लोग स्टिल वॉक पर है और अच्छा लग रहा है गाइस। आज इतनी ह्यूमिडिटी भी नहीं है तो मज़ा आ रहा है। हम लोग आ चुके हैं बुर्ज खलीफा, दिस इज़ लाइक अ ड्रीम्स कम ट्रू। अल्लाह सी, दिस इज़ द मैजिकल बुर्ज खलीफा। ये भी एक है जो दावा रखते हैं बुर्ज खलीफा में फ्लैट लेने में। कितने फ्लैट लोगे यार? तो गाइज आपने इनका मतलब नाम तारुफ नहीं सुना, सो ये खुद अपना तारुफ देंगे। तो गाइज ये इनकी जो शॉर्ट्स बना रहे हैं आजकल, मतलब न्यूली इन्होंने स्टार्ट किया है। सो शो सम लव गाइज, शो सम लव। सो ये जो सभी इन्होंने स्टार्ट किया है, अल्लाह तरक्की दे। बिकॉज गाइज यू नो कोई तरक्की के लिए करता है, कोई आप तक पहुँचाने के लिए करता है, और कोई लोगों को बताने के लिए करता है। बट ठीक है गाइज, अगर कोई कामयाबी के लिए भी कर रहा है तो वो भी बेहतर है, और कोई सक्सेस के लिए कर रहा है वो भी बेहतर है। कोशिश बंदे को करते रहने चाहिए, और मेरा मोटिवेशन यही है गाइज, चाहे कोई भी फील्ड हो कुछ भी हो, आपको कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस दुनिया, और इफ़ यू बिलीव और इफ़ यू ट्रस्ट अल्लाह, देन एवरीथिंग इज शुड बी हैपन, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जस्ट ट्रस्ट अल्लाह, डू योर बेस्ट, डू प्रेयर एवरीथिंग, डू यू वॉट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो गाइज अभी पता नहीं मैं ये व्लॉग कब एंड करूँगा, लेकिन फिल वक्त मैं चाहता हूँ कि व्लॉग शायद काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। कि थोपड़ी की हालत देखो, आप देख रहे हो पूरा स्वेडिंग हो गया है। उसके बाद हम लोग आ गए दुबई आइकॉनिक प्लेस दुबई विंग्स के पास, यहाँ हम लोग ने कुछ फोटोज़ ली, और उसी के साथ गाइज ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में खास याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ लाइक फॉलो कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।